रीवा में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के कारनामे आए दिन सामने आते रहते हैं, जिसका ताजा मामला रीवा के लाल गांव से सामने आया है, जहां शासकीय विद्यालय के प्राचार्य ने अपने ही शिक्षक से एरियर पास कराने के एवज में 30,000 की रिश्वत की मांग की। रिश्वतखोर प्राचार्य पूर्व में भी शिक्षक से 5,000 की रिश्वत की रकम ले चुका था, पर रिश्वतखोर प्राचार्य से परेशान होकर शिक्षक ने इसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में कर दी। शिकायत की जांच कर सही पाए जाने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने प्राचार्य को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया, जिसकी कार्रवाई अभी जारी है। एक शिक्षक है अशोक सिंह बघेली, उन्होंने एसपी महोदय लोकायुक्त श्री गोपाल धारण साहब के समक्ष आवेदन देकर शिकायत की थी। शिकायत का सत्यापन किया गया, शिकायत सही पाने पर ट्रैप कार्रवाई की गई। इसमें आरोपी श्री कमलेश तिवारी प्राचार्य हैं, लाल गांव जिला निवासी, उनके द्वारा एरियर निकालने के वजह में रिश्वत की मांग की जा रही थी, उसमें ट्रैप की गई है, कार्रवाई जारी है।